हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ राहुल भगत एंड यू आर वाचिंग ब्राइट एकेडमी चैनल। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, कैंपसेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, रैंकिंग, फीस, कट ऑफ, प्लेसमेंट, सारी चीज़ों को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। और अपन डायरेक्ट एडमिशन के बारे में भी बात करने वाले हैं कि आप जो है डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले पाएंगे इस कॉलेज में, या फिर इस कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं और किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आ चुके हैं webzinfo.com में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल की सारी कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे इन्फो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये जो है कॉलेज जो है नियर कोलकाता सिचुएटेड है, ठीक है ना। और इसे स्टेबलाइज किया गया है 1996 में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल एड्रेस वगैरह भी दी गई है कॉलेजेस की, ठीक है। वेबसाइट वगैरह भी दिए हैं कॉलेज की, ठीक है। आप यहाँ से वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं कॉलेज की, ठीक है। एडमिशन इंचार्ज के नंबर वगैरह भी आपको यहाँ पे शेयर किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे आपको क्लासरूम कितने हैं, कंप्यूटर्स कितने हैं, कॉमन कंप्यूटिंग सेंटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेबोरेटरीज कितने हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है बताया गया है एक एक करके। यहाँ पे इवन गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज़ कॉमन रूम, माइनर माइनर डिटेल्स के बारे में यहाँ पे जो है डिस्कस किया गया है। तो आप यहाँ पे ये सारे डिटेल्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन कोर्सेज के अंदर बीटेक के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पे फिर है हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सारी ब्रांच जो है यहाँ पे है। सिविल मैकेनिकल कोर के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये सारी ब्रांच यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि MBA एक्रेडिटेड है कि नहीं है ये ब्रांचेस, ठीक है। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ फुल टाइम फैकल्टी मेंबर भी आप देख सकते हैं कि कॉलेज के अंदर कौन कौन से ब्रांच में कितने फैकल्टी मेंबर जो हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो देखें टोटल 14 जो है कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है बीटेक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मेजर बात करें अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक जो है अलग से ब्रांच है, और इसके बाद 3 आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं, जो कि एक आ जाता है साइबर सिक्योरिटी, और एक डाटा साइंस आ जाता है, और एक आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये तीनों कंप्यूटर साइंस CSE स्पेशलाइजेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ का सबसे बड़ी बात अगर बताएं तो सबसे अच्छी ब्रांच जो है केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट होता है यहाँ से, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो आप ये भी ब्रांच जो है प्रीफर कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी अपन देखेंगे एक एक करके कि प्लेसमेंट डाटा को भी देखेंगे कि कौन सी कंपनी जो है विजिट करती है, कितना रिक्रूट होता है स्टूडेंट जो है, कितना कैंडिडेट रिक्रूट होता है, सारी बातें को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप हमारे पास फीस। तो ये फीस जो है टोटल फीस दी गई है 8 सेमेस्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे फी को और अपन डिटेल्स में भी देखेंगे। आप यहाँ पे विदाउट हॉस्टल और विथ हॉस्टल जो है फीस को देख सकते हैं। तो फर्स्ट सेम का फी है 70,700, सेकेंड सेम का 47,000, थर्ड सेम का 50,000, इसी तरीके से 8 सेम तक का फीस जो है दिया गया है। ये विदाउट हॉस्टल वालों के लिए है, ये जो डिटेल्स है ये विदाउट हॉस्टल के लिए है। और विथ हॉस्टल की बात कर लें तो ये विथ हॉस्टल के साथ ये हमारी फीस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ को देखने से पहले अपन बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो ये प्लेसमेंट जो है यहाँ पे मैंने जो है मेजर जो है मैक्सिमम CTC क्या है, एवरेज CTC क्या है, वो डिस्कस किया है। पर अपन अभी और भी एक एक करके प्लेसमेंट की डाटा को देखेंगे कि कितने जो कंपनी है रिक्रूट किए हैं और कितने कैंडिडेट को रिक्रूट किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 2020 की बात करें तो 82% जो है कैंडिडेट जो है प्लेस्ड हो चुके हैं, और मैक्सिमम CTC है 40 लाख पर एनम, और एवरेज CTC है 4.5 लाख पर एनम। अगर उसके पहले की प्लेसमेंट देखें 2019 की तो 89% जो है कैंडिडेट प्लेस हो चुके थे, और मैक्सिमम CTC 24 और एवरेज 3.6 लाख पर एनम की थी। 2018 में 78% थे, मैक्सिमम 9 लाख और एवरेज 3.5 लाख। और 2017 की बात करें तो 72% थे, 9 लाख पर एनम मैक्सिमम CTC और 3.25 लाख एवरेज CTC। तो ये अपन 2017 से 2020 तक की प्लेसमेंट की डाटा को देखें। पर अपन 2022 की डाटा को पूरा एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि क्या जो है 2022 का प्लेसमेंट सिनेरियो था। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे गैलरी वगैरह की। आप देख सकते हैं कैंपसेस की फ़ोटो वगैरह दी गई है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दिख रहा है यहाँ से कॉलेज का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अभी अपन कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या गई थी लास्ट ईयर यानी कि 2021 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेबजी कट ऑफ के अंदर क्लिक करना है। कट ऑफ को क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट राउंड करना है। राउंड आप फर्स्ट राउंड
सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट इंस्टीट्यूट, आप सेलेक्ट इंस्टीट्यूट कर लीजिए। यहाँ पे आप HIT भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर ऑल कॉलेजेस में भी सर्च कर सकते हैं। ऑल कॉलेज में आपको सारी कॉलेज की जो है कट ऑफ बताई जाएगी, बट यहाँ पे अपन HIT के लिए बात कर रहे हैं तो अपन HIT यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली अपन को हल्दिया इंस्टीट्यूट लिखना है, हल्दिया लिखने से ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हल्दिया इंस्टीट्यूट आने के बाद आपको सेलेक्ट प्रोग्राम करना है। आप यहाँ पे सारे प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं या फिर आप ब्रांच वाइज भी देख सकते हैं कि आपका जो है कौन से ब्रांच में क्या कट ऑफ रही थी। तो अपन ऑल कर लेते हैं अभी, ठीक है। अपन सारे ब्रांच का जो है कट ऑफ को चेक कर लेते हैं। ऑल करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट कोटा करना है। कोटा सेलेक्ट करने पे आप ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं, होम स्टेट कर सकते हैं या ऑल कर सकते हैं। ऑल में आपको ऑल इंडिया होम स्टेट दोनों आएंगे। ऑल इंडिया में सिर्फ ऑल इंडिया वाले आएंगे, होम स्टेट में सिर्फ होम स्टेट वाले आएंगे जो कि वेस्ट बंगाल के जो रहने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे ऑल कर लेते हैं, सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक प्रीव्यू नज़र आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट के नाम, प्रोग्राम, कोटा और यहाँ पे सारी कैटेगरी की जो है कट ऑफ दी गई है। तो अब नेक्स्ट कोई भी अपन ब्रांच को एक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या कैसे आपको जो है यहाँ पे कट ऑफ को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखते हैं कोटा जो है ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा में ओपन कैटेगरी ही होंगे सब कोई, ठीक है। और यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल से जो बाहर हैं उनको जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो वो सारे जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 5,885 ओपनिंग रैंक था और क्लोजिंग रैंक जो है 17,625 है। वे वेब जी का जो है रैंक है, ठीक है। ये वेब जी के एग्जाम के बेसिस पे जो है कट ऑफ दी गई है, ठीक है। अब CSE की बात कर लेते हैं कि CSE का क्या कट ऑफ रहा था। तो ये देखें ऑल इंडिया का ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारे ओपन कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ओपनिंग रैंक जो है 182 थी और क्लोजिंग रैंक 6,417, ठीक है। तो ये वेबजी का ही रैंक है, ठीक है। और अगर बात करें होम स्टेट के लिए, आप अलग से देख सकते हैं होम स्टेट में क्या होगा कि आपको रिजर्वेशन मिल जाएगी। अगर आप SC ST हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी, आप OBC हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये अपन ने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट राउंड 1 के लिए सेलेक्ट किया है। आप राउंड 2 राउंड 3 जो जिसमें भी आपको देखना है वो सारी कट ऑफ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फीस के बारे में, डिटेल्स में फीस को देखते हैं कि क्या फीस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, आपको यहाँ पे इंटरफेस नज़र आ रहा होगा हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फीस स्ट्रक्चर फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23, यानी कि इस साल के लिए आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे BTech कोर्स की पहले बात कर लें, तो यहाँ पे BTech कोर्स में देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सेमेस्टर की फीस जो है यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अपन टोटल फीस को देखते हैं कि पर सेमेस्टर जो है मेरा टोटल फीस क्या लग रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो टोटल फीस है 90,700 विथ हॉस्टल की बात करें, और विदाउट हॉस्टल की बात करें तो 73,700, यानी कि एक पहला सेमेस्टर का आपका ये फीस है। नेक्स्ट बात करें कि दूसरा सेमेस्टर में आपकी फीस क्या है, कितना है, विथ हॉस्टल 59,000 और विदाउट हॉस्टल 47,000। तो इसी तरीके से आप सारे सेमेस्टर के बारे में यहाँ पे सारे सेमेस्टर के फीस जो है यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल फीस की बात कर लेते हैं कि आपको 4 साल पूरा BTech की कितनी फीस लगेगी। तो यहाँ पे आप टोटल फीस विदाउट हॉस्टल देख सकते हैं कि 4,38,700 है, और टोटल फीस विथ हॉस्टल की बात करें तो 5,39,700 है, यानी कि 1,01,000 के करीब का जो है डिफरेंस है विथ और विदाउट हॉस्टल में, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें तब अपन लेटरल एंट्री के बारे में कि लेटरल एंट्री का जो है क्या फीस रहता है, यानी कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलिटेक्निक से, ठीक है, तो वहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ पे सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी फ़ीस की बात करें तो टोटल फ़ीस की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सेकेंड ईयर से फीस दी गई है क्योंकि फर्स्ट ईयर उनका उसी में इंक्लूड रहता है, वो क्योंकि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फ़ीस विदाउट हॉस्टल की बात करें वो 3,40,150 है, और टोटल फ़ीस विथ हॉस्टल की बात करें 4,17,150 है, ठीक है। तो ये विथ और विदाउट हॉस्टल दोनों का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडमिशन, अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो एडमिशन या आप WebG एग्ज़ाम के थ्रू ले सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में आपका बढ़िया रैंक आया आप कट ऑफ चेक कर लें वहाँ से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप JEE Main के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो 80% जो है सीट रिजर्व होता है WebG एग्ज़ाम के थ्रू, 10% JEE Main के थ्रू, और बचा 10% वो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं थ्रू मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट अपन इस साल की यानी कि जो पास आउट हुए हैं 2022 में उनकी प्लेसमेंट स्टैट्स को देख लेते हैं कि क्या प्लेसमेंट स्टैट्स रहा था। तो मैं आपको इसके लिए जूम कर देता हूँ इस डाटा को, ठीक है।
तो अब ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की सारी नाम लिखी गई है इस साइड, ठीक है। बीच में आपको पैकेज दी गई है यहाँ पे कि कितनी की जो CTC थी कंपनी की, और नेक्स्ट जो है डेट ऑफ ड्राइव की कंपनी का ड्राइव कौन से डेट पे चला था, और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है यहाँ पे लास्ट कॉलम में दिए गए हैं कि कितने नंबर जो है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए हैं पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले अपन यहाँ पे आप एक एक करके देख सकते हैं, मैं किसी मेजर मेजर को डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस जो है 9.5 लाख पर एनम का पैकेज दिया था, जो कि 87 कैंडिडेट को जो है ये रिक्रूट किया है, यानी कि मास रिक्रूटर है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा ये फिगर है, ठीक है। 87 नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर 9.5 लाख पर एनम, ये काफ़ी अच्छा जो है प्लेसमेंट का डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट आप विप्रो वगैरह की बात कर लें, वो 8 लाख पर एनम 149 कैंडिडेट को ये जो है रिक्रूट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्लेसमेंट का स्टैट्स है। नेक्स्ट बात कर लें TCS को, तो TCS भी 7 लाख पर एनम के साथ 96 कैंडिडेट को जो है ये रिक्रूट किया है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कैपजेमिनी को, कैपजेमिनी जो है आपको 7.5 लाख पर एनम का पैकेज के साथ आपको 107 बच्चे को जो है रिक्रूट किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर एसेंचर वगैरह की बात कर लें तो ये 6.5 लाख पर एनम के साथ 107 बच्चे को रिक्रूट किया है। इसी तरीके से आप सारे जो है यहाँ पे डाटा देख सकते हैं कौन सी कंपनी जो है कितने बच्चे को रिक्रूट की है, क्या उनका पैकेज था, ठीक है। आप यहाँ पे मे बी कोर में देख सकते हैं, कोर में काफ़ी कम प्लेस पैकेज था, और जो है रिक्रूटर जो बच्चे रिक्रूट हुए हैं वो भी कम थे इस पर्टिकुलर कोर के अंदर। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में अच्छी है, और CSE वगैरह में तो अच्छी रहेंगी ही, IT ECE वाले भी बंदे जो है ये सारी कंपनी में जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये सिर्फ CSE का नहीं है, ये ओवरऑल डाटा है IT ECE और CSE तीनों को मिला के, और CSE स्पेशलाइजेशन को भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है टोटल बच्चे 1248 जो है रिक्रूट हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फिगर माना जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेंगे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, ठीक है। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी गई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप पे। वहाँ पे आप सारी अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि आपको एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेना है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेंगे, क्या सारा प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर, ठीक है। और आपको सिंपली वहाँ पे बताना है कि आप ब्राइट एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं, तो आपको मार्केट के प्राइस से कम में जो है आपको एडमिशन देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।